रहमानी रहीम, आज 2 दिसंबर 2022 है और ये दिन कोई तारीखी हवाले से तो कोई अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन आज से एक साल पहले ही यानी नवंबर 2022 को जो है मैं एक मशहूर इलाका लजपत रोड है वहां से गुजर रहा था। तो एक मशहूर होटल है जहां पर मुस्तहिकीन को जो है खाना वगैरह दिया जाता है, तो अक्सर वो जो है मैंने देखा कि ज्यादातर वहां वही लोग मौजूद होते हैं। तो वहां पर एक पोस्टर आवेजा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि नवंबर 2021 से रोटी की कीमत जो 18 रुपए है और मुस्तहिक का जो खाना है वो 70 रुपए का है। तो उस वक्त मैंने एक तस्वीर ली और कुछ बेचारे जो लोग बैठे हुए थे तो मैंने उनसे इनके तासुरात भी लिए थे। तो वो क्योंकि महंगाई का ये दौर चल चला है और जो है बहुत ज्यादा जो है लोगों के अंदर जो महंगाई ने जो है लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करा हुआ है, तो बेचारे बहुत सारे लोग जो गरीब भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, और उन लोगों ने जो है बताया कि इनका जो है इस तरह के जो खाने वगैरह जहां से मिल रहे होते हैं तो ये इनके लिए एक आसानी का सबब है कि यहां से आसानी इसलिए अपना एक या दो वक्त का खाना मिल जाता है और ये खा लेते हैं। जो है आज इत्तेफाक की बात है कि 2 दिसंबर ही को मेरा उसी जगह से दोबारा गुजर हुआ था, तो वो पोस्टर तो हट चुका था लेकिन लिखा हुआ था कि 2 दिसंबर 2022 से जो मुस्तहिक का जो खाना है वो 90 रुपए का है और रोटी की जो कीमत है वो 25 रुपए है। आप अंदाजा लगाइए कि रोटी जो है 18 से 25 पे पहुंच गई, यानी 7 रुपए का डिफरेंस आ गया। खाना जो 70 रुपए का था, मुस्तहिक वाला खाना जो है वो 90 रुपए का आ गया, यानी 20 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि गरीब आदमी जो है, जो बेचारा बिजली का बिल नहीं दे सकता, नए कपड़े नहीं पहन सकता, नए जूते नहीं पहन सकता, ठीक है ना, और जैसे तैसे करके जिस तरह चाह के बेचारा वो घर में रह रहा है और जिस तरह अपनी जिंदगी को चला रहा है, लेकिन उसके लिए एक चीज तो जरूरी है और वो चीज ये है कि वो खाना कहाँ से खाए। और जिस तरीके से ये कीमतें बढ़ रही है, जिस तरह के मामला चल रहे हैं, तो मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक ताला जो है हम पर आसानी वाला मामला फरमाए। कल ही की बात है कि इत्तेफाक की बात है कि मैं एक होटल में जो है एक जहां से मैंने रोटी लेनी थी तो मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा कि मुझे रोटी चाहिए, तो मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद थे, तो वो मुझे बेचारे गरीब तो लग रहे थे लेकिन किसी तरीके से भी मुझे कोई मांगने वाले नहीं लग रहे थे। तो उसने बताया कि 3 रोटी के 75 रुपए बनते हैं। तो वो बाबा जी मेरे सामने ही पैसे गिन रहे थे और मैं जरा उनको देख रहा था, तो उनके पास मिल मिलाकर जो कोई पैसे बन रहे थे वो बन रहे थे कोई मेरे ख्याल में कोई 55 या 60 रुपए बन रहे थे। अब बेचारे कभी सोचे कि मैं उस रोटी वाले को कहूं ना कहूं, क्योंकि उसको 3 रोटी की जरूरत थी। तो आखिर में उसने बेचारे ने कहा कि भाई मेरे पास तो जो है 75 रुपए तो नहीं है, ये कोई 55 रुपए हैं, अगर आप ले लें और मुझे 3 रोटी देके, ताकि एक रोटी मैं खा लूंगा और 2 रोटी जो मैं अपने घर वालों को दे दूंगा जो है। तो बहरहाल उसकी तरकीब तो बना दी गई कि उसने वो 3 रोटी ले ली, लेकिन उस वक्त बेचारा वो कह रहा था कि यार कितनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए। तो यही मेरा बताने का मकसद है कि आज हमारे यहाँ पर जो मामलात हैं और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, वहां पर रोटी जो है अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली है, रोटी जो है वो अमीर शहर के कुत्तों ने छीन लिए और फाका जो है वो गरीब शहर के बच्चों में बट गया है। तो अब यही हालात हो चुके हैं, लोग मांगने पर आगे, पहले तो मैं भी जो मांगने वाले होते थे उनसे थोड़ा सा उनको कुछ बोल भी देता था कि यार तुम मेहनत करो, ये करो, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें मैं नहीं समझता कि वही वाली बात है कि मुफलिस की आधी बात फिजा में बिखर गई, जो गरीब आदमी था उसकी आधी बात जो है वो फिजा में बिखर गई और साहिब ने जल्दी से कार का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। तो दर हकीकत अब जो हालात हैं, तो मैं समझता हूं कि इन गरीबों के साथ ये मांगने वाले जो बेचारे लोग हैं जो होटलों के बाहर होते हैं, इनकी किसी ना किसी तरीके से मदद जरूर करें कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें एक गरीब बंदा अपने 2 वक्त का जो खाना है वो बामुश्किल ही खा पा रहा होगा जो है। और बस अल्लाह ताला से आसानी और अल्लाह ताला से मेहरबानी का हम तकाजा करते हैं और अपने हुक्मरानों को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि देखिए इस वक्त लोग बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर है और जो परेशानी इस तरह के मामला चल रहे हैं उसमें सिर्फ अल्लाह ताला से ही हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हम जारे जो गरीब हैं उनके साथ तू मदद फरमा, क्योंकि कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए अपना गुजरा हुआ कल खरीद नहीं सकता, कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए अपना गुजरा हुआ कल खरीद नहीं सकता, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपने वो आने वाला कल बदल ना सकता हो। तो बस यही हुआ कि जो है ये जो लोग हैं जिस तरह की महंगाई वाला तूफान चल रहा है, महंगाई का तूफान चल रहा है, उसमें खुदा रहा इन लोगों के साथ मदद कीजिए और जहां जहां इस तरह के जो रोटी वगैरह के सिलसिले वगैरह शुरू है वहां ज्यादा ताउन कीजिए, ना जाने आपके छोटे से ताउन से किसका पेट भर जाए और हदीसत की आला से आला नेमतें खिलाएगा और अल्लाह ताला उसके लिए जो है काम में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है हमारे मामलात को अच्छा करे
और खुसूसी तौर पर इन गरीबों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।